हिसार की टोटली मार्केट जो है आज बंद कर दी गई है। इसका ऐलान पहले ही व्यापारियों ने कर दिया था और साफ तौर पर हिसार की ऑटो मार्केट को बंद करके एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था कि जल्द ही अगर आरोपी जो है पकड़े नहीं जाते तो कहीं ना कहीं हिसार भी बंद होगा और हरियाणा भी बंद होगा, क्योंकि हिसार शहर में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। आए दिन जो है दिन दहाड़े जो शोरूम के बाहर गुंडा तत्व आते हैं और लगातार 40 राउंड फायरिंग कर चले जाते हैं और बड़े प्यार से निकल जाते हैं, उससे अगले दिन 2 करोड़ की फिर से फिरौती मांगी जाती है और उससे फिर अगले दिन 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाती है। जैसे ही व्यापारियों ने अपनी कमर कसी ये फिरौतियों का मामला तो थमा, लेकिन आरोपी आज भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। तो हमारे साथ मनोज राठी जो यहाँ पर व्यापारियों को अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे, इनसे बातचीत कर लेते हैं। राठी जी, हमारे हिसार को क्या हो गया? हिसार को ग्रहण लग गया। किसका? और बीजेपी का लग गया, और किसका लगा था? बदमाश सरेआम गोलियां चलाने लग रहे हैं, मर्डर होने लग रहे, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है नहीं। मेरे ख्याल में 10 साल में कोई एकाधा इनकाउंटर भी नहीं करे। एक दो इनकाउंटर अगर सरकार कर देती तो बदमाशों का हौसला नहीं बढ़ता। आज बदमाशों का सरेआम हौसला बढ़ गया कि सरेआम गोलियां चलाते हैं और फिर आराम से चले जाते हैं और गिरफ्तार भी नहीं होते। सबसे बड़ी बात तो ये गिरफ्तार नहीं होते। मेरा आप तो कह रहे हो बीजेपी का ग्रहण लग गया, बीजेपी वालों ने थोड़ी भेजे थे वो गोलियां चलाने के लिए? और किसने भेजे थे? सरकार उनकी है। आप मेरी सरकार बना के देख लो, मना बना के देख लो, एक घंटा पकड़ ले आवांगे और बदमाशों का मारांगे छित्तर, दोबारा करेंगे उनके गलत काम। मैं तो बार बार कहता आया हूँ कि ये बीजेपी के नेताओं की साजिश है, उनके यार हैं बदमाश, इसलिए खुलेआम गोलियां चलाते हैं और खुलेआम कार्रवाई करते हैं। भाई साहब के बात का जवाब दे दो, सरकार बीजेपी की है, पावर बीजेपी के हाथ में है और बीजेपी ही सारा कांड करवावे। भैया हम साफ साफ बात है, जब कांग्रेस की सरकार आवेगी इलाज कर देंगे, पहले भी करा था। कांग्रेस सरकार आएगी तो वो भी करवाएगी ऐसे। इलाज करेगी सभी का जो बदमाशी करने लग रहे हैं, जो सरेआम गोली चलावे और जो बकवासबाजी करें बीजेपी के नेता। प्रधान अजय सैनी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं आज के इस बंद को लेकर। अजय जी, क्या उम्मीद थी कि ऐतिहासिक बंद आज हिसार का हो पाएगा? देखिए, उम्मीद हमें पूरी थी, क्योंकि ये धरना हमने पहले भी लगाया है, पहले भी मार्केटें बंद कराई है, मगर आज बढ़ चढ़ कर पूरे हिसार वासियों ने जो व्यापारियों का साथ दिया इस दुखी घड़ी के अंदर, मैं कहता हूँ बहुत सराहनीय कदम है सभी व्यापारियों ने। इन गुंडागर्दी के खिलाफ, इन भ्रष्टाचार लोगों के खिलाफ जो अपने हिसार बंद करने का काम किया है, इसकी आवाज़ चंडीगढ़ नहीं दिल्ली तक जाने का काम करेगी। ऑटो मार्केट बंद कर ली, हिसार बंद कर लिया, हरियाणा बंद करने की तैयारी, आरोपी कब पकड़े जाएंगे? देखिए, आरोपी पकड़ेंगे शासन के लोग, प्रशासन के लोग। हमारा काम है जागरूक करना, हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम अपनी आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं। सभी व्यापारियों ने मिलकर आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। शहर के एक छोटे दुकानदार लगा लीजिए, बड़े उद्योगपति लगा लीजिए, जो मर्जी जितने भी बड़ी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, सबने दुकान बंद कर शहर को जगाने का काम किया है, नेता को जगाने का काम किया है, प्रशासन के लोगों को जगाने का काम किया। आज आप कहीं भी जाओगे, चार चार DSP ड्यूटी लग चुकी है, शहर के अंदर गेड़ियाँ मार रहे हैं। वो पहले ACP क्यों बैठे थे? पहले गेड़ियाँ मार लेते, हमारी बाढ़ देखे दुकान बंद करने के। आप लोगों ने हमारा नुकसान करवाना था क्या? आप पहले घूम लेते। मतलब कि इतना बुरा हाल ही सार शहर के अंदर हो चुका है, मतलब कि शर्म की बात है। 12 दिन से अपराधी पकड़ से बाहर है। क्या लगता है अब व्यापारी जाग चुका है? जाग चुका है व्यापारी, जाग चुका है। व्यापारी को कमजोर ना समझा जाए, व्यापारी चाहेगा तो सरकार चलाएगा, व्यापारी चाहेगा तो सरकार को हटा देगा। ठीक है, 2 महीने बाद इलेक्शन है, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बड़ी बातें नहीं करा, बड़ी बातें आज हमारा हिसार पूरा बंद है, आप देख लीजिए। बड़ी बातें हम नहीं करते, हम व्यापारी की बात करते हैं, हम बात काम की बात करते हैं, हम राजनीति की बात कोई भी नहीं करते। आशीष गोदारा और कुकी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आशीष जी, 12 दिन हो चुके हैं, व्यापारियों ने बाजार भी बंद कर लिए, हिसार भी बंद कर लिया, रिजल्ट 0 का 0। बिल्कुल सही कहा जी, कोई रिजल्ट नहीं है। आज इतना समय होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ये नहीं जान पाया कि ये लोग कौन थे, क्यों ऐसा किया, किसने इनको इस चीज़ के लिए उकसाया, क्या कारण था, अभी तक पुलिस प्रशासन के पास इसकी कोई खबर नहीं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी कारण आज सारे व्यापारी परेशान हो गए। जब इतने बड़े व्यापारिक संस्थान को निशाना बनाया जा सकता है, तो आम आदमी तो अपने आप को ठग ये महसूस करता है कि किसी के साथ भी कभी कोई घटना हो सकती है। आशीष जी, आज अगर बात करें पूरे हिसार भर में तमाम DSP घूम रहे हैं, पुलिस अमला घूम रहा है, जिस दिन यह हमला हुआ था
अगर उस दिन इतनी पुलिस दौड़ा दी जाती तो क्या आरोपी पकड़े नहीं जाते? पुलिस चाहे तो पत्ता भी नहीं ले सकता साहब। क्यों पुलिस इतनी कमजोर हो गई? हरियाणा की पुलिस तो देश के अंदर नामी पुलिस है, जो अगर किसी चीज को चाहे तो मिनटों में निपटा सकती है उस केस को। लेकिन ऐसा क्यों रहा समझ नहीं आ रहा। प्रदेश का जो राजा है, या तो उसने पुलिस प्रशासन को कमजोर कर दिया, यही सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो नुमाइंदा है, हमारा जो हिसार शहर के MLA हैं, मंत्री हैं, वो भी कमजोर हैं और मुख्यमंत्री उनसे बड़े कमजोर हैं, यही कारण है। बातें करते विश्वगुरु बनने की और एक फायरिंग करने वाले टुच्चे से बदमाशों को भी नहीं पकड़ा साहब। ये सिर्फ हवाई बातें हैं, विश्वगुरु आपके सामने ही है। विश्वगुरु का कोई अमेरिका के ऊपर एक हमला हुआ था, पूरा देश इलाके रख दिया था। आज हिसार के एक इतने बड़े प्रतिष्ठित परिवार और प्रतिष्ठित संस्थान के ऊपर सरेआम फायरिंग कर दी, चले जाते हैं। हो सकता आज ऐसी स्थिति भी हो कि वो शहर में ही हो, आज किसी मोहल्ले में रह रहे हो, PGO में रह रहे हो, पुलिस के कानों पे जू नहीं रेंग रही। वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि ये सब चीजें ना हो, बस वो झूठा दिखावे पे लगे हुए हैं। अगर वो ठान ले तो कभी भी काम को निपटाया जा सकता है, इसमें कोई देर नहीं। सभी जवानों में एक बात निकल कर आ रही है कि उन हमलावरों को कोई बहुत बड़ा संरक्षण मिला हुआ है, तभी वो बेखौफ इस तरीके से घूम रहे हो, पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्या सच्चाई है? बिल्कुल सच बात है। उनको संरक्षण ना हो तो इतनी बड़ी हिमाकत कोई कर ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी हिमाकत आप ये देखिए कि उन्हें सबको ये पता है कि प्रशासन जो है वो पंगु हो चुका है। जो राजनीतिक लोग हैं, जिनके हाथ में नुमाइंदगी है प्रदेश की, वो बिल्कुल कमजोर है, बहुत ही कमजोर। इतना कमजोर प्रशासन तो कभी हुआ ही नहीं। हरियाणा प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया। आज आम आदमी परेशान है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, युवा बेरोजगारी की तो कोई सीमा ही नहीं है, इतनी बुरी स्थिति है। कहीं ना कहीं बेरोजगार की आपने बात करी, साथ के साथ हम नशे की भी बात कर लेते हैं। हमारे युवा नशे की गर्त में गिरता हुआ जा रहा है और उसके बाद जब उसे नशे के लिए पैसे नहीं मिलते वो चोरियां करता है, इस तरीके की वारदातें करता है, सच है गलत है? बिल्कुल सोफीदी सच बात है। अगर युवा को रोजगार नहीं मिलेगा, उसका पैसे उसकी जेब में नहीं होंगे, परिवार का लालन पाना नहीं करेगा, फ्रस्ट्रेशन में आएगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा तो अपराध की ओर ही जाएगा, आपकी तरफ नजर रखेगा, बहन बेटियों की तरफ नजर रखेगा, व्यापारी घरानों की तरफ नजर रखेगा। तो ये हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी मतलब कमी है कि युवाओं के रोजगार के लिए कोई योजना ही नहीं है उनके पास। मैंने पहले भी आपके माध्यम से प्रार्थना की थी कि एक विशेष पैकेज होना चाहिए युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा लगाने के लिए। प्रदेश सरकार को ये पूरा प्रयास करना चाहिए। अशोक गोयल मंगाली वाला भी यहाँ पर धरना स्थल पर पहुंचा है व्यापारियों के बीच में अपना समर्थन देने के लिए। इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। गोयल साहब, 12 दिन हो चुके हैं, अपराधी जो है पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्या कहोगे? कहना क्या है, जो आपके मन में है, जनता के मन में है, आज मेरा इजहार एक दहशत के माहौल में है। जो नक्सलवादी हमारे अच्छे बड़े बड़े व्यापारियों पे इतनी फायर कर सकते हैं, तो आम आदमी का क्या वैल्यू है? मैं व्यापारियों के तरफ से ये कहना चाहता हूँ सरकार को कि आप इनको जल्द से जल्द पकड़ो, और जो हमारा हिसार का सेवक है, विधायक है, जब वो ही कुछ नहीं कर पा रहा तो उसको सेवक बनने का हक नहीं है, उसको त्याग पत्र देना चाहिए, जनता का माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि कोई और आए और वो सेवा करे, ताकि जनता सेफ रहे और हिसार में एक राम राज आए। दिन ढलने के बाद महिलाएं जो है घर से निकलने में भी संकोच करती हैं, डरती हैं, ये डर का माहौल, ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां कब तक उड़ती रहेंगी? भाई जब तक ये सेवक चेंज नहीं होगा, सरकार चेंज नहीं होगी, धज्जियां ऐसे ही उड़ती रहेगी। अब अंत आ चुका है और जल्द से जल्द 2 महीने का समय है, सेवक भी चेंज होगा, सरकार भी चेंज होगी, अब राम राज जल्दी आएगा। आप खुद भी व्यापारी हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को कितना सेफ मानते हैं हिसार में? नहीं, हम तो सेफ नहीं मानते बिल्कुल भी अपने आप को। दिमाग में डर रहता है, घर के हमारे हमसे डरते रहते हैं कि अब तक क्या हो जाएगा, कोई फोन आ जाएगा, कोई आदमी आ जाएगा, डर के अंदर, पूरा माहौल डर के अंदर बना हुआ है। शिव कुमार सैनी जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप खुद भी व्यापारी हैं, क्या माहौल चल रहा है हिसार के अंदर? मैं शिव सैनी राजगुरु मार्केट पूर्व प्रधान भी हूं और अब वरिष्ठ प्रधान हूं। ये व्यापारियों की लड़ाई है, व्यापारियों की हक की लड़ाई है, व्यापारियों को दर्द है, क्योंकि वो सेफ नहीं है, अगर सेफ नहीं होगा धंधा कैसे करेगा? आप आज देख रहे हैं हांसी के अंदर, आज से कुछ दिन महीने पहले ही ऐसे हरकतें होती थी, बाजार बंद हो जाते थे, फरोतियां मांगी जाती थी, सेम हिसार के अंदर हो गया। अब हिसार के अंदर भी व्यापारी को सेफ नहीं है, दिन दिहाड़े गल्ले में से पैसे निकाल लेते हैं, फरोतियां मांगी जा रही है प्रशासन से। व्यापारी सिर्फ अपनी सेफ्टी चाहता है, और तो कुछ प्रशासन से मांग ही नहीं रहा। प्रशासन GST भरता है, सारे
सारे रिटर्न भरता है, उसके बाद भी प्रशासन सेफ्टी नहीं करता व्यापारियों की, बड़े दुख की बात है। 11 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पकड़ में नहीं है। ऐसे अब कप्तान नए आए हैं, उसके बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ। और सारे जो बड़े बड़े, हम तो व्यापारी है, हर संकट सभी संस्था व्यापारियों के साथ जुड़ी हुई है, सभी ने एकता का परिचय दिया है। पूरा शहर बंद है, हमने पूरा राउंड लगाया, कोई दुकान खुली नहीं है और सभी को हम बधाई के पात्र हैं। कालो जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं क्या हो गया हमारे हिसार को। भाई साहब, हिसार के अंदर ऐसे हालात हो चुके हैं कि पंजाब को कहते हैं ना, अपना पंजाब में ये हो लग रहा है, आज पंजाब को इसने खत्म कर दिया, पंजाब से आगे हो गया हरियाणा इस मामले में। पंजाब के तो आतंकवादी कहते हैं ना, मैं कहता हूँ या उससे आगे इस टाइम। पहली दफा आपने देखा होगा इस सरकार के अंदर ये जो कांड हुआ है, 40 गोली चली है और सरकार पे की कांड से जून ही सड़की, अभी तक कुछ नहीं हो रहा। तो आप ये देखो, यहाँ नहीं हरियाणा में, सारे में पंजाब में, सारी जगह जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहीं नाश होने लग रहे हैं। बिल्कुल कोई औरत ला लो, कोई व्यापारी लगा लो, किसान लगा लो, दो दो साल हो गए किसानों को बैठे को, कोई सुनाई हुई उनकी? छोटे व्यापारी लगा लो, जो छोटे अपने कर्मचारी जो है उनकी कोई सुनाई नहीं हो रही। तो देखो आज जैसे व्यापारियों ने अपना रसूख प्यार दिखाया है, मैं तो इसका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सारा शहर बंद है और फिर भी इनको सोचने कोई अभी तक नहीं आया यहाँ पे कि हम पकड़ेंगे। जो एक बात बताओ मेरे को, आज कोई माड़ा सा झगड़ा हो जाता है ना कोई गरीब आदमी का, उनकी माँ बहन भाई सारे उठा के थाने में बिठा लेते हैं, इनको नहीं पकड़ सकते? कर सकते हैं ना, इनके जूनी सरकी अभी तक क्यों नहीं सरकी? इसका मतलब इनका हाथ है इनका। तो मैं ये बात कहता हूँ कि अब अपने हालात खराब हो गए थे, अपने को खुद अपना सोचना पड़ेगा, अपने लिए खुद सोचना पड़ेगा। INLT के वरिष्ठ नेता उमेद लोहान जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उमेद जी, लगातार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है हमारे हिसार शहर में, क्या कहना चाहोगे? एक तरफ व्यापारियों की सरकार होने का दम पड़ते हैं, दूसरी तरफ जेलों से धमकियां दी जा रही हैं, विदेशों से धमकियां जा रही हैं, दनादन गोलियां चल रही हैं हिसार में और एक हफ्ते के बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं। सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। 2 महीने बाद इलेक्शन है, क्या लगता है कि व्यापारी जो है वोट की चोट मारकर इस सरकार को जो है मुंह की दिखाएगा? बिल्कुल वोट की चोट लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है और जिस तरह के हालात हो गए हैं, न केवल व्यापारी किसान मजदूर मिलकर इस सरकार को भगाने का काम करेंगे। हिसार में पूर्व मेयर रही शकुंतला राजलीवाल भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। मैडम, महिला होने के नाते आपसे एक सवाल है कि दिन छिपे बाद महिलाएं जो आज घर से निकलने से भी डरती हैं, कहीं ना कहीं डर का माहौल है, चैन स्नैचिंग, लूटपाट, छेड़छाड़, इस तरीके की वारदात जो आए दिन हिसार में देखने को मिलती है, क्या माहौल बन चुका है हिसार का? नहीं, हिसार का माहौल जैसे भैया के यहाँ गोलियां चली और शहर में इतनी वारदातें हुई, तो इसमें तो हम यही कहेंगे कि पुलिस को आगे आकर सबको संभालना चाहिए। पुलिस एक देश की रक्षा के लिए बनाई जाती है और होनी भी चाहिए। समाज में जो ऐसा होगा, तो जो आप कह रहे हैं अभी तक तो नहीं हुआ, क्योंकि महिला, मैं भी एक महिला थी, मैं रात को 10-10 बजे तक काम करती थी तो ठीक था, लेकिन आज अगर ऐसे हालात रही तो निकलना बंद भी हो जाएगा। लेकिन आज हमारा समाज एक है, मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि हमारा इसमें राजनीति के मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पे आके, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि जो मैंने माँ जी से सीखा, सावित्री जिंदल जी से मैंने सीखा, आज सावित्री जिंदल जी किसी कारणवश नहीं आ सकी, मैं ये भी कहना चाहूँगी। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिसार हमारा परिवार है और इसको करने के लिए पुलिस जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे। मैं ये कहती हूँ कि इसमें कहीं भी अगर थोड़ी सी भी ढील बरती गई ना, तो आगे बढ़ते हुए देर नहीं लगेगी बदमाशों को। सुरेंद्र लावरे जी, व्यापारी होने के नाते आप आज के इस ऐतिहासिक हिसार बंद को क्या के बारे में क्या कहोगे? आज गुंडागर्दी के विरोध में हिसार शहर पूर्णतः बंद है और अभी कुछ मीडिया के बंधु पूछ रहे थे कि ये बंद करवाया गया है या अपने आप है। मैं आज मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज स्वयं व्यापारियों ने बंद किया है। आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ व्यापारी मौजूद है और ये बहुत खुशी की बात है। आज पूरे शहर के व्यापारी, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी वर्ग से है, यहाँ इकट्ठे होकर के यहाँ सब लोग एकत्रित आए हैं और पूरा शहर, हर गली, आज बाजार सब बंद है। मैं
मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे तुरंत हिसार के नागरिकों की बात सुने और उन गुंडों को एनकाउंटर करे ताकि हिसार के अंदर सुरक्षा सभी को प्रदान की जा सके। मेरा मुख्यमंत्री जी की आज चंडीगढ़ में चल रही बैठक में इसी समय, जो कि आज मुख्यमंत्री की बैठक अभी चल रही है, मेरा अनुरोध है कि हिसार के में स्वयं पहुंचकर नागरिकों की सुरक्षा का भरोसा दे। धन्यवाद। अक्षय जी, आप अक्सर कहते हुए नजर आते हैं कि जो गुंडा तत्व है राजगुरु मार्केट में घुस के तो दिखाए व्यापारी लठ लेकर तैयार है, तो आज जो व्यापारियों का जोश देखकर लग रहा है कि सारा जो पूरे हिसार का व्यापारी वर्ग है जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। हमने सारे हिसार के व्यापारियों को लठ दे दिया है। भाई सारे अपने अपने सुरक्षा कर लो, पुलिस और सरकार बिल्कुल, प्रशासन और सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है। ये हम व्यापारियों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी। ये सुरक्षा आज 11 दिन हो गए 40 राउंड फायर करके पूरे हिसार में दहशत का माहौल बना रखा है इन गुंडागर्दों ने। और क्या पुलिस ने, क्या सरकार ने कोई सूद ली? बिल्कुल जीरो। 2005 में जब यहाँ SP थे, ये DSP पद पे थे, जब S दीपक सारण जी, इन्होंने यहाँ एनकाउंटर करने का काम करा था। मैं आज भी इनसे उम्मीद करूँगा कि आज भी ये आए और इनको पकड़े गुंडैयों को और इनके एनकाउंटर करने का काम करे। सबसे पहले राजगुरु मार्केट के अंदर स्वागत SP साहब का अक्षय मलिक करने का काम करेगा। कहीं ना कहीं माना जाता है कि पुलिस के जो हाथ है सरकार ने बांधे हुए, इस बात में कितनी सच्चाई है? ऐसे जी बांधे क्यों बांध रखे हैं? परसों करनाल में देखो पुलिस वाले की हत्या कर दी, सबसे बड़ा रोष है, हमें इतना दुख है। वो उनके बच्चे नहीं है क्या? वो कर्मचारी नहीं है? सारा दिन धूप में खड़े हो गए, इतनी छांव धूप में खड़े हो गए, सारा दिन पुलिस लगी रहती है। लेकिन विपल, सरकार को हाथ खोल देने चाहिए, जो जैसा करे उसको वैसा करने का काम करे, जो गोली चलावे उसको जवाब गोली का जवाब गोली से देने का काम करे। वो पुलिस करेगी, हम नहीं कर सकते। हम अपनी अब या तो दे व्यापारियों को असले, और घर में एक असला होना चाहिए, जिस व्यापारी के ऊपर आ जाए वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। अगर आप फौरन की तर्ज पे, मोदी साहब फौरन की तर्ज पे काम तो करना चाहते हैं, लेकिन फौरन की तर्ज पे 0/0 निकले। क्या करा इन्होंने? वहाँ जाओ आप फौरन में, अगर आपकी शटर के लॉक ही नहीं है, खुले पड़े हैं, अगर कोई दुकान में चोरी होगी उससे पहले पुलिस पहुँचेगी, दुकानदार नहीं पहुँचेगा, एक मिनट में चोरी बरामद हो गई। यहाँ 70 लाख रुपए की चोरी हो गई, 65 लाख रुपए गायब, 5 लाख रुपए बरामद करा के बेवकूफ बनाने का उमला जमला लॉलीपॉप देने का काम करती है ये पुलिस। मैं सभी को कहूँ ये अपना आचरण ढंग से चला ले, नहीं तो SPDC के घर का घेराव भी हमें करना आता है और वो भी करेंगे। अगर ये जल्द से जल्द नहीं पकड़े गए तो पूरे हरियाणा बंदगी कॉल भी करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। व्यापारी ना डरेगा ना व्यापारी झुकेगा, व्यापारी सब सड़कों पे आ चुका है। मेरा शहर की जनता से निवेदन, शहर की जनता ने आज जो हमारा साथ दिया, सभी व्यापारी संगठनों ने साथ दिया व्यापार मंडल का, मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद करता हूँ। किसान नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, कर्मचारी नेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ, और सभी मीडिया कर्मियों का भी। आपकी वजह से आज हमारा आंदोलन सफल हुआ, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। रामनिवास राणा जी हमारे साथ, राणा साहब हमारे हिसार को किसकी नजर लग गई? आज देखो हिसार शहर पूरी तरह बंद है और ये काफी दिनों से गुंडागर्दी चल रही है। पहले भी हमारे यहाँ जिस तरह 5 करोड़ की फिरौती मांगी गई, फिर 2 करोड़ की मांगी गई, फिर 2 करोड़ की मांगी गई, पीछे राजगुरु मार्केट में रामचाट भंडार पर मांगी गई, 12 क्वार्टर रोड पर मांगी गई, महिलाओं की चैन लूटना, महिलाएं कोई सुरक्षित नहीं है। आज जो हमने ऐलान किया था सभी भाइयों ने, व्यापारियों ने मिलकर के, आज पूरा हिसार शहर बंद है। मैं सभी व्यापारी भाइयों का धन्यवाद भी करता हूँ इस बात पर, जो उन्होंने पूरा समर्थन दिया। अगर अब भी गिरफ्तारी नहीं हुई तो इसके बैठ करके एक मीटिंग करके पूरा हरियाणा प्रदेश बंद करने का काम करेंगे। पूरी बात आपने सुनी, जहां आप या इस धरना स्थल पर पहुंचे, तमाम जो है व्यापारी नेताओं की अगर बात करें, सामाजिक संगठन के जो वरिष्ठ नागरिकों की बात करें, या फिर हिसार के मौजूद लोगों की बात करें, सभी ने यहां पर पहुंचकर साफ तौर पर एक ही बात कही है कि हमारे हिसार के व्यापारी अब जाग चुके हैं और कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए अब उन्हें लड़ना होगा। 12 दिन हो चुके हैं अभी तक जो अपराधी है पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन अगर ये जल्दी ही अपराधी पकड़े नहीं गए तो एक बड़ा आंदोलन का रूप लेने में देर नहीं लगेगी। और आज तो सिर्फ हिसार बंद किया है, जल्दी हरियाणा बंद करने की बातें भी निकल कर आ रही है। हिसार में बढ़ते अपराधों को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर की उड़ती धज्जियों को लेकर आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर कराना।